स्वागत है आपका विधि सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। सांसद रमाकांत भार्गव आए जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के सभागार में बाढ़ पीड़ितों के तार तरह की समीक्षा बैठक। प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। माधवगंज क्षेत्र में मेन रोड पर ही खड़े रहते हैं भारी वाहन, आवागमन होता है बाधित, नहीं रहते यातायात कर्मी। और आवारा मवेशियों को दूर जंगल में छोड़ने की बात पर नगर पालिका प्रशासन का गौ भक्तों ने किया विरोध, सुरक्षित स्थान पर रखे जाने की कही बात। अब खबर विस्तार से। शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुओं का स्वागत व सम्मान शिष्यों द्वारा किया जाता है। वहीं तिवारी कोचिंग संस्थान में गुरुओं का सम्मान शिष्यों द्वारा हुआ और गुरुओं ने श्री गणेश उत्सव के चलते अपनी बात शिष्यों के उज्जवल भविष्य को लेकर कही। और साथ ही पूरे देश में, हमारे भारत देश में गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान गणेश बुद्धि के रिद्धि सिद्धि के दाता है। भगवान गणेश से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे शहर विदिशा के, हमारे पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत देश के छात्र छात्राओं की बुद्धि प्रदान करें भगवान गणेश। और भगवान गणेश के आशीर्वाद से हमारे सभी छात्र छात्राएं देश के उज्ज्वल भविष्य में सहायक बने, राष्ट्र निर्माण में सहायक बने। पूरे छात्र छात्राओं के, हम सभी शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उनका पूरा जीवन नए आयाम छूता रहे। श्री गणेश उत्सव चल रहा है और हमारे कोचिंग में भी श्री गणेश उत्सव, गणेश जी की स्थापना हुई है, जहां आप लोगों ने देखा होगा सभी लोगों ने। और आज अपन ने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, सब लोगों ने सुबह से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों में सहारा, मतलब टीचर डे के लिए ये भी बहुत बड़ा टीचर का सम्मान होता है कि बच्चे टीचर का सम्मान करें। बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद लिया, पैर छुए गुरु के, ये भी बहुत बड़ा सम्मान होता है टीचर के लिए कि बच्चा टीचर का सम्मान कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और बच्चों को मैं सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ें। आपका, आपके अभिभावक और आपके शिक्षक का हमेशा नाम रोशन करें। आप हमें कभी भूले नहीं। कहीं भी आप कहीं भी पहुँच जाएँ, किसी भी स्थान पर अगर आप पहुँचते, कितनी ऊँचे स्थान पर भी पहुँच जाएँ, लेकिन शिक्षक को कभी भूलना नहीं, क्योंकि शिक्षक का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहता है। शिक्षक एक ऐसा पर्सन होता है जो ये चाहता है कि मेरे से ऊँचा मेरा स्टूडेंट रहे। जैसे मैं, हम शिक्षक हैं, हम आपसे, हम ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा कलेक्टर बने, कोई CA बने, मतलब बहुत ऊँची ऊँची ऊँचाई पर जाए। बाकी लोग क्या सोचते हैं कि बच्चा डाउन पोजिशन, अपन से कोई ऊँचा ना हो, लेकिन अपने टीचर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा ये सोचता है कि हमेशा बच्चा ऊँचा बने, हमेशा ऊँचाइयों को छूए। धन्यवाद। मैंने यहाँ पर देखा, आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, और जो हमारे संस्थान के बच्चे हैं वो गुरु का काफ़ी सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही शिष्यों में जो संस्कार है वो हमेशा आना चाहिए और संस्कार और बढ़ते रहना चाहिए। इसी तरीके से आप लोग बहुत आगे बढ़ें और मैं मेरे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मेरे गुरु का जो शिक्षक दिवस है, और जो गुरु है वो ही हमको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं और गुरु से ही हम ऊपर बढ़ सकते हैं। तो मैं मेरे गुरु के लिए क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है। गुरु तो अनमोल रतन होते हैं और सिर्फ गुरु को ही खुशी होती है। गुरु माता पिता के बराबर होते हैं। मैं आप क्या कहेंगे, गुरु हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। वो हमारे भविष्य के लिए, हमारी लिए मेहनत करते हैं। जैसे हमारे शिवकांत सर हैं और विवेक भैया हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमें एक एक सब समझाते हैं और एक एक क्वेश्चन समझाते हैं। विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद रमाकांत भार्गव जिला मुख्यालय पधारे, जहाँ नवीन कलेक्ट्रेट की बेतवा के सभागार में विदिशा जिले में आई बाढ़ एवं राहत कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, SP मोनिका शुक्ला सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बस स्टैंड क्षेत्र स्थित पुरानी नगर पालिका भवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर सांसद रमाकांत भार्गव द्वारा शिक्षकों का सम्मान शॉल व श्रीफल से किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा, जिला अध्यक्ष राकेश जादौन सहित पार्षदगण एवं शिक्षकगण उपस्थित थे। के पास चला गया।
मेरे लोकेश खरे जी अतिथियों को मेरा सारा प्रणाम और यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकों को हार्दिक शुभकामना एवं अभिनंदन। घर में नारी, परिवार में पिता और समाज में शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, क्योंकि ये सृजन का कार्य करते हैं। जो लोग एक वर्ष की चिंता करते हैं वो अनाज उगाते हैं, जो 10 साल की चिंता करते हैं वो फल उगाते हैं, और जो पीढ़ियों की चिंता करते हैं वे इंसान लगाते हैं, अर्थात उन्हें शिक्षा देते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, संस्कारित करते हैं, वो शिक्षक होते हैं। ईश्वर ने हर बच्चे को क्षमताएं दी हैं। मंडल के अध्यक्ष रैन जी, गणेश जी एवं समाज उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जी एवं समाज पार्षद एवं जिनको आज हम हाँ शिक्षक दिवस पे शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षकों का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज शिक्षक दिवस पर नगर पालिका द्वारा सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया, पूरी परिषद ने शिक्षकों का सम्मान किया है। ये कार्यक्रम यहाँ श्री गणेश उत्सव के चलते श्री गणेश की झांकियों के सम्मुख बच्चों द्वारा डांडिया खेला गया। गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। छोटे वाहनों का जमावड़ा लग जाने से यातायात बाधित होता है। रोड पर ही गाड़ियां खाली होने में बहुत समय लगता है। दुकानों के सामने खड़ी रहने के कारण आवागमन प्रभावित होता है। वहीं यातायात कर्मी शहर में कहीं भी व्यवस्थाएं बनाते नजर नहीं आते। देखिए आप नज़ारा। यहाँ पर यातायात कैसे रहता है? भरी रहता है वैसे भी। यातायात पुलिस नजर आती है? नहीं आती। कभी कितने महीने साल में? बहुत साल हो। यातायात पुलिस नजर नहीं आई? इसलिए आवागमन लोग बाधित होता है। आवागमन परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है, काफी काम हो जाता है। शहर में बढ़ती आवारा मवेशियों की संख्या के चलते नगर पालिका द्वारा निर्णय लिया गया कि मवेशियों को दूर जंगल में छोड़ा जाए। इसी बात से नाराज होकर गौ भक्तों ने विरोध जताया और कहा कि गायों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। जी नगर पालिका विदिशा द्वारा सड़कों पर बैठे गोवंश को जंगल में छोड़ने का जो निर्णय लिया गया है, सभी विदिशा के गोभक्तों में से इस निर्णय को लेकर बहुत ही आक्रोश है। और इसी निर्णय को लेकर आज यहाँ पर सभी लोगों के द्वारा माननीय श्री मुख्यमंत्री जी एवं हिंदूवादी सरकार को ज्ञापन दिया गया है। तो क्या चाहते हैं आप? जी हम चाहते हैं कि ये विदिशा में जितनी भी जो गौशालाएँ बनी हैं इनकी स्थिति और अच्छे से सुधारी जाए, और विदिशा में जो 80,000 बीघा के समथिंग जो ज़मीन है जो लोगों ने कब्जा करके रखी है, ये ज़मीन को सरकार मुक्त कराकर इस ज़मीन पर गौ अभ्यारण्य बनाया जाए, और इसी गौ अभ्यारण्य में जो सड़कों पर जो गाय बैठी हैं अभ्यारण्य में इन गायों को रखा जाए, उनकी व्यवस्था की जाए,
इससे क्या होगा, जो ज़्यादातर जो गौशालाएँ बन रही हैं जिले में, जो एक गौ अभ्यारण्य बन जाएगा तो सारी जिले की गायों को उसमें रखा जा सकता है। आगे के संबंध में क्या कुछ होगा, किस तरीके की आप बात कर रहे हैं गौ माता के बारे में? जी, नगर पालिका द्वारा अभी वर्तमान में एक निर्णय दिया गया है, एक आदेश दिया गया है कि आज से जो गोवंश सड़कों पर है उसकी धरपकड़ करके उसे जंगलों में छोड़ा जाएगा। तो जंगलों में छोड़ने का मतलब क्या है और कि जंगलों में क्या व्यवस्था उनकी है समुचित उनके खाने पीने की? और अपन सब लोगों को पता है कि जंगलों में तो गौ तस्कर सक्रिय हैं, तो वो आप तो जानबूझ के गौ तस्करों के पास गौवंश को भेज रहे हैं, तो ये निर्णय तो हर तरीके से गलत है। उसका समाधान ये है कि वर्तमान में जो अपने विदिशा जिले में गौचर भूमि है, चरणोई भूमि है, उसको मुक्त करवाया जाए, उस पर गौशालाएँ बनवाई जाए, गौ अभ्यारण्य बनवाए जाएँ। हर शहर में नगर पालिका द्वारा एक गौशाला होती है जो नगर पालिका इसको संचालन करती है, अपने विदिशा में नहीं है। इतनी बड़ी सिटी होने के बावजूद, इतना विकसित होने के बावजूद भी अपनी विदिशा में एक गौशाला नहीं है नगर पालिका की। अगर गौशाला होती 4-5 हज़ार गोवंश जो रोड पर उसमें अपन रख सकते थे। वर्तमान में जो गौशालाएँ हैं वो छोटी हैं, उनमें इतनी जगह नहीं है कि गोवंश को रखा जा सके, वहाँ की स्थिति भी बिगड़ने के हालात हैं। फिर कलेक्टर साहब से बहुत अनुरोध करते हैं हम सभी लोग, आसपास जो गांव हैं जिनमें गौशालाओं का काम चल रहा है, कई गौशालाएं बन चुकी हैं पर उनका उद्घाटन नहीं हुआ है, उनके जल्दी से जल्दी उनका उद्घाटन करवाया जाए, गायों को वहां शिफ्ट किया जाए। समाधान तो ये है, ये नहीं है कि आप अपनी समस्या के लिए गायों को अतिथि शिक्षक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। अतिथि शिक्षक गण उपस्थित थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी वेदना, अपना दर्द, अपनी पीड़ा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, शिवराज जी को बताई है। और हम सबकी मांग है कि अतिथि शिक्षक विगत 14-15 वर्षों से समर्पित भाव से निष्ठापूर्वक लगनपूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश स्कूल आज भी अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं और बच्चों ने जो रिजल्ट दिया है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हम अतिथि शिक्षक भाई बहनों की है। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, आपकी संवेदनशीलता जग जाहिर है, आपने सभी विभागों के प्रति अनेक लाभकारी घोषणाएं की हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका आभार मानते हैं। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि हम सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों का भविष्य भी सुरक्षित कीजिए। अगर योग्यता और अयोग्यता की बात आती है तो हम पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ विभागीय परीक्षा देने तैयार हैं। लेकिन हम सबकी भावना है कि विभागीय परीक्षा केवल अतिथि शिक्षक भाई बहनों की होना चाहिए। महिला प्रकोष्ठ जिला अतिथि शिक्षक के संबंध में क्या प्रश्न जी? हम लोगों को नियमितीकरण करने के लिए, हम लोग बहुत वर्षों से परेशान है कि हम लोगों का नियमितीकरण हो, हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोगों की विभागीय परीक्षा लेकर के। मध्य प्रदेश जी लगभग कितने अतिथि शिक्षक होंगे? लगभग 70,000 से अधिक होंगे हम लोग, और हम लोगों की यही है, प्रदेश में हम लोगों की यही है कि बस हम लोगों को विभागीय परीक्षा लेकर के नियमित किया जाए। कब से आप लोग प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए? हम लोग तो 2009-10 से तो लगातार कार्यरत हैं ही, और प्रयास भी हम लोगों का 10-12 सालों से लगातार चला आ रहा है। पहले के भी अतिथि थे? नहीं, हम लोग 9-10 सालों से चले आ रहे हैं, 2008-09 से चले आ रहे हैं। आज की खबरों को देखते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विधि सही।